कांग्रेस से वार्ड क्रमांक 7 से ग्राम भुवासा के पृथ्वीराज सिंह पवार और भाजपा में वार्ड 21 से गांव निबोदिया खुर्द की श्रीमती दुर्गेश कुंवर का संभावित नाम सामने आया है। आपको बता दें, अध्यक्ष पद की प्रबल दावेदारी में कांग्रेस 10 सदस्यों के साथ और भाजपा 8 सदस्यों की संख्या के साथ मैदान में है। अध्यक्ष के खेल अब 7 निर्दलीय सदस्यों के ऊपर है। जनपद के अध्यक्ष चुनाव में मात्र एक दिन बाकी है। कांग्रेस प्रबल दावेदारी के साथ बेफिक्र है। विश्वसनीय सूत्रों की जानकारी है कि कांग्रेस के पास 13 से 14 सदस्य हैं जो पृथ्वीराज सिंह पवार को अध्यक्ष के लिए वोटिंग करेंगे। वहीं भाजपा क्रॉस वोटिंग की संभावना होने के चलते भाजपा मंडल अध्यक्षों के साथ सदस्यों को राजस्थान की यात्रा पर हैं और भाजपा की ओर से दुर्गेश कुंवर का नाम चल रहा है और इधर कांग्रेस अंतिम समय में उलटफेर कर सकती है, जिसके डर से भाजपा अपने सदस्यों को देवदर्शन कराने ले गई। खाचरोद जनपद पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष में भाजपा के 8 सहित 4 निर्दलीय सदस्य राजस्थान की धार्मिक यात्रा यानी बाड़ाबंदी पर हैं। दरअसल इन्हें रणनीति के तहत बाहर भेजा है ताकि अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव होने तक किसी के संपर्क या बहकावे में ना आए। कल जनपद के अध्यक्ष की दावेदारी की तैयारी के लिए क्या कांग्रेस किस तरह से मैदान में उतर रही है? निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेस को मिला था। सरपंच भी 65 के ऊपर करीब परसेंट सरपंच चुने गए। जनपद के चुनाव होने जा रहे हैं। हमारी तरफ से पृथ्वीराज भुवासा लेकर नाम कांग्रेस पार्टी की तरफ से तय है। भारतीय जनता पार्टी के 8 जीते हुए हैं और 10 प्रत्याशी हमारे कांग्रेस से जीते हैं और 7 निर्दलीय हैं। और निर्दलीयों के ऊपर सब टिकी निर्दलीय किस तरफ जाते हैं और हमें विश्वास है कि निर्दलीय कांग्रेस की ओर आएंगे और कांग्रेस का वोट होंगे। मतलब कांग्रेस पूरी तरह से अस्वस्थ है कि जनपद में कांग्रेस का ही वोट बैठेगा? निश्चित रूप से हम तो बिल्कुल अस्वस्थ हैं। भारतीय जनता पार्टी से श्रीमती दुर्गेश का की तरफ से शायद ऐसा नाम सुनने मारे वो चुनाव लड़ेगी, तो हम निश्चित रूप से हमें कि इस बार यहाँ पर कांग्रेस का वोट बनेगा।